अमेरिका से आया हुआ और एक कॉन्सेप्ट चिकन का था, बट जब मुझे जुड़ना था इनके साथ तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि हम जो भी कुछ करेंगे वो हिंदुस्तान के लिए ही करेंगे और आज के यूथ के लिए करेंगे जो विलायती खाना खाना चाहते हैं लेकिन स्वाद हिंदुस्तानी होना चाहिए। तो इसलिए हमने जो चीज़ें यहाँ डेवलप की है, जैसे मटन रोगन जोश बर्गर हो गया या पालक पनीर बर्गर हो गया या जो जोंगली बर्गर हो गया, स्ट्रीट्स में मिलता है, कभी आप पटियाला जाएँ जलंधर जाएँ तो आपको मिलेगा। तो ये चीज़ हमने बहुत बढ़िया है यहाँ पर डेवलप की और लोगों ने बहुत पसंद की है। और मिक्सचर ऑफ अमेरिका और इंडिया का जब मिलन हुआ तो ब्रांड ऑटोमेटिकली ग्रो बहुत किया, बहुत बढ़िया किया। और कपिल जी की बुक तो वैसे ही बहुत कमाल कर रही है और आज की पार्टी वैसे ही रंगीन है, मज़ेदार है। जी 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 देखिए, ये मतलब अगर मैं कहूँ कि इंटरनेशनल फ्राइड चिकन के जो ब्रांड्स और हमारा जो है, सबका अपना अपना पोटेंशियल है, लेकिन हमने जो यहाँ काम किया है, हमने इंडियन सोल को हार्ट दिया, मतलब काम किया इंडियन सोल, मतलब इंडिया को मद्देनज़र रखते हुए किया कि ठीक है फ्राइड चिकन आज के लोग खाते हैं लेकिन हिंदुस्तानी खाना मिले। क्योंकि घर पे कुछ भी कर लो, आप कुछ भी खा लो विलायती खाना, घर जाके आप हिंदुस्तानी दाल रोटी ढूंढते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बिल्कुल बरकरार किया है कि खाना जो है वो हिंदुस्तानियों के लिए हो, हिंदुस्तानी पैलेट के लिए हो। और मैं कहूँगा कि पिछले एक साल में जो लगभग 35 आउटलेट्स साइन कर लिए हैं और हर महीने खुल रहे हैं, तो ये ग्रोथ स्टोरी बता रही है इस ब्रांड की कि बहुत तेज़ी से ये ब्रांड बढ़ रहा है। एंड आई एम श्योर कंपटीशन की बात नहीं होगी लेकिन एस्टैब्लिश ज़रूर कर जाएगा हिंदुस्तान में एक फुटप्रिंट, लोग ब्रॉस्टर्स के नाम से भी जानेंगे हम सभी को। जी एक्चुअली चिकन, अगर नॉन वेजिटेरियंस देखें तो चिकन ही लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं और बाकी सारे मीट्स भी खाते हैं लेकिन चिकन सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और फ्राइड चिकन कुछ भी कह लो आज के ज़माने में सभी लोग पसंद करते हैं। और यहाँ जो फ्राइड चिकन बनता है, जो कॉन्सेप्ट है ब्रॉस्टर्स का, जो प्रेशर फ्रायर है जिसमें कि तेल कम लगता है, तेल कम पकड़ता है और तेल कम एब्जॉर्ब करता है फ्राई करने के लिए, इसलिए आप जब खाते हैं तो आपके हाथों को तेल नहीं लगता। तो शायद कहीं ना कहीं कुछ टेक्नोलॉजी भी है, स्वाद भी है, सब कुछ बहुत बढ़िया काम कर रहा है यहाँ पर। बिल्कुल जी, मैं आने वाले समय में आप मुझे, मैं काफ़ी देसी वाला बंदा हूँ, आने वाले समय में PTC पंजाबी के जो पंजाब के सुपर शेफ है वो Season 3 शुरू हो रहा है, वहाँ पे जूनियर्स के लिए भी अभी हम कर रहे हैं और मैं मराठी के लिए भी कर रहा हूँ एक, और रिश्ते चैनल के लिए भी इंडिया के अलावा बाकी सब कंट्रीज़ में बीम होगा एक नया शो कर रहा हूँ, द ग्रेट इंडियन ग्लोबल किचन। टर्बन तड़का में अभी फिर से शुरुआत हो गई है, आप फिर से देखेंगे आने वाले समय में, शायद मुझे खाना बनाते हुए नाचते हुए भी देखेंगे टाटा स्काई में। तो बहुत कुछ हो रहा लाइफ में। जी 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 जी, वो इस वक्त नंबर वन पे है जी। आप चाहे इंडियन रेस्टोरेंट्स देख लीजिए, जैसे हमारे बहुत नामचीन शेफ है गगन, जो बैंकॉक में है, उनका रेस्टोरेंट गगन एशिया का टॉप रेस्टोरेंट है, वर्ल्ड के टॉप 10 रेस्टोरेंट्स में जाना जाता है। विनीत भाटिया साहब हैं जो लंदन में हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ऐसे बड़े सारे शेफ्स हैं जिन्होंने ये खाने को बहुत बढ़िया दर्जा दिया और नंबर वन तक पहुंचाया। तो हम सबकी कोशिश है कि हिंदुस्तानी खाना जो है वो मज़ेदार हो और लोग उसको चखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ वही, इसीलिए बोलो। कैसा फील? इवेंट पे तो हमेशा मज़ा ही आता है, अच्छा ही लगता है और ये अच्छा सा इवेंट है तो और अच्छा लग रहा है। क्या बोल रहे हैं चिकन? आई हर्ड दैट इट वाज़ अ बुक दैट टोल ऑर्डर इज अबाउट $2 जो 2024 बिकी हुई है। हाँ हाँ हाँ, सेलिब्रेशन है तो हाउ डू यू फील? आई एम फीलिंग वेरी नाइस, बिकॉज क्या होता है कि कोई भी आदमी जब मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में उसको सक्सेस मिलती है तो उसको बड़ी खुशी होती है और उसी बात पे वो सेलिब्रेशन करता है, तो उसकी सेलिब्रेशन में शामिल होकर के हमको बड़ी खुशी होती है कि भैया एक आदमी को सक्सेस मिला।
एक काम करो यहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नोबडी कैन आई कैन हियर, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है वहाँ से ना, म्यूजिक आ रहा है। चिकन का तो मैं बहुत शौकीन हूँ, किताब का इतना नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर जो ऐसा कोई मुझे कहता है कि भैया बड़ी अच्छी किताब है पढ़ना चाहिए तो ज़रूर पढ़ता हूँ। फिर बात मैं चिकन का कहूँ, किताब का ज़्यादा हूँ, मैं किताब पढ़ता रहता हूँ। मतलब अगर किताब में मुझे कुछ भी एक भी हिंट नज़र आती है कि इंटरेस्टिंग है, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, किसी भी कहानी पे हो, तो आई वुड लव टू इट, बिकॉज हर किताब में, हर चीज़ में, हर एक लिखावट में कुछ जानने को मिलता है, चाहे वो अच्छी किताब हो या बुरी किताब हो। तो आई ऑलवेज फील कि मुझे अलग अलग जो फिल्म, हम जो फिल्म भी बना रहे हैं उसमें कई आइडियाज़ भी मुझे फिल्म किताबों से मिले हैं। तो इट इज़ वेरी कंस्ट्रक्टिव टू रीड बुक्स। एंड टॉल ऑर्डर तो मैंने सुना है क्वाइट अ गुड बुक जो पब्लिश हुई है, एंड आई रियली वॉन्ट टू रीड दैट बुक। अगर मुझे कोई किताब स्पॉन्सर करेगा तो मैं पढ़ूँगा। वो अच्छी बात तो है ही है, बिकॉज एक बनी बनाई चीज़, रेडीमेड चीज़ बना लोगों को मिल जाती है, तो मेहनत थोड़ी सी लिखने की कम हो जाती है आर्टिस्ट, अपना प्रोड्यूसरों की, डायरेक्टरों की, क्योंकि क्या होता है कि बनी बनाई चीज़ है ना, उस पर सोच करके भैया ये बनी हुई चीज़ है तो उसके अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, कैरेक्टर इस्टेब्लिश हो चुके हैं, कहानी इस्टेब्लिश हो चुकी है और सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी बन चुकी है, तो फिर उसके अंदर मतलब सिर्फ उसको प्रोजेक्ट करना है हमको, वो आसान हो जाता थोड़ा सा। मेरा भी मानना ये जो बताया वो बात सही है, पर ऊपर से मुझे एक प्लस पॉइंट क्या लगता है कि आदमी की जो एक विजन होती है वो किताब पढ़ने से विजन और वास्ट हो जाती है, बिकॉज जो राइटर लिखता है वो राइटर अपने विजन के लिखता है और उस विजन के साथ आपका विजन मिलता है और उस विजन के साथ आपके टीम का विजन मिलता है। सो व्हेन द विजन गेट्स वास्ट, तो डेफिनेटली जो किताब पढ़ोगे वो किताब पढ़ने के बाद जब सेलुलॉइड पर देखोगे तो इट विल गिव अ डिफरेंट आउटलुक एंड डिफरेंट इंटरेस्टिंग लैंडस्केप। उसका रीज़न ये है कि आज की डेट में जितनी कहानियाँ बनती हैं वो ज़्यादातर या तो रोमांटिक होती है या तो फिर रियल लाइफ पे डिपेंड करती हैं, तो रियल लाइफ पे डिपेंड करती है तो उसके अंदर जाहिर बात है कि भाई लार्जर देन लाइफ जो विलन होता है वो नहीं रहता, क्योंकि इसके अंदर रियल विलन आता है, एक रियल कैरेक्टर आता है जिसमें अगर जो मुझे लार्जर देन लाइफ रोल करना है तो लोग बोलेंगे नहीं यार लार्जर देन लाइफ झूठ लगता है, असली नहीं, सच नहीं लगता है। लोगों को आज की डेट में सच देखना ज़्यादा पसंद है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो अगर जो विलन देखते हैं तो वो विलन ऐसा होना चाहिए कि हाँ यार ये हो सकता है, ये विलन ऐसा आदमी हो सकता है, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं उस विलन के साथ भी, उस हीरो के साथ भी, तो हीरो भी लार्जर देन लाइफ जो है आज की डेट में चलता नहीं है। मेरा कहना ये कि पहले लोग विलन दिखाते थे, लेकिन आज की जो लोगों के थॉट प्रोसेस इतना वाइड हो गया है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर फिल्म बनती है। पहले ये होता था कि बस या तो माँ का रेप हो गया, बेटी का रेप हो गया, बहन का रेप हो गया, मर्डर हो गया, बाद में आता था कुत्ते में तेरा खून पी जाऊँगा, या अमिताभ बच्चन साला छोड़ूंगा ना। लेकिन आज उस किस्म की फिल्में नहीं बनती, आज रियलिस्टिक फिल्म बनती है, जैसे हिंदी मीडियम बनती है, जैसे नील भट्टा सन्नाटा, इस किस्म की अलग अलग फिल्म बन रही है जिसपे रियलिस्टिक कहानी पे बेस्ड होती है, और रियलिस्टिक कहानियों में इतने सारे हालात नेगेटिव्स होते हैं, मतलब आज हमारी आम तौर पे इनकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में ऐसे हालात नेगेटिव होते हैं और इतने बड़े विलन होते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी से एक फिल्म बन सकती है और हर फिल्म में अलग नेगेटिव, अलग विलन होगा। मतलब जिस मुकाम पे उसके लिए क्या कहना चाहेंगे समझाने में,
बिकॉज मेरे हिसाब से हीरो आज सब कुछ करने लगा है, हीरो कॉमेडियन बन गया है, हीरो विलन बन गया है, हीरो डायरेक्टर बन गया है, हीरो प्रोड्यूसर बन गया है, हीरो ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, हीरो इतने पावरफुल हो गए एंड आज जो स्क्रिप्ट बनती है वो हीरो को दिमाग में रखते बनती है, उसमें विलन आता है नहीं आता है, शायद दबंग जैसी फिल्म में आ जाएगा दबंग का विलन, बट आमतौर पर आपको विलन कहीं नज़र नहीं आएगा। और दूसरा मेरा मानना ये भी है कि सिर्फ इसमें हीरो जो है वही जिम्मेदार नहीं है, इसमें कई हिसाब से आप देखने हो तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे दौर बदल गया है, वक्त बदल गया है, कंपटीशन बढ़ गई है, आपको पहले हमारे पास सिर्फ फिल्में ही थी जो हम जाके एंटरटेन होते थे, मज़े लेते थे, तो वो एंटरटेनमेंट का ज़रिया जो था सिर्फ फिल्म था, आज की डेट में आपको थिएटर मतलब जो प्लेस देखने मिलते हैं, नाटक देखने मिलते हैं, वो तो काफ़ी, वेब सीरीज़ आ गई है, वेब सीरीज़ तो अभी अभी आई है, उससे पहले टीवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, न्यूज़ स्ट्रॉन्ग हो गया है, मतलब हर चीज़ स्ट्रॉन्ग हो गई है, एंटरटेनमेंट का ज़रिया काफ़ी वाइड हो गया है, जिसके चक्कर में कुछ अलग करना है तो वो अलग करने के चक्कर में क्या है कि भैया जो मेन हीरो चलने वाला है उसी पर लोग अपना जो है पूरा ये लगा देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि शाहरुख खान हीरो है तो यार उसके अंदर विलन का एक कैरेक्टर है, लेकिन विलन किसको लें यार, तो सैफ अली खान अगर जो रेडी हो जाता तो अरे सैफ अली खान मिल रहा है अपने को यार, नाम वाला मिल रहा है यार, उसको ले लेते हैं, तो वो बड़ा बड़ी फिल्म बन जाती है, जब बड़ी फिल्म बन जाती है तो बड़ी फिल्म के हिसाब से क्या है कि सेलिंग इज, पब्लिक को एक थिएटर में घुसने का एक मतलब बनता है, ये एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। और मेरा हिसाब से आप बोल रहे थे आजकल विलन नहीं दिखते हैं, नहीं दिखने का कारण राइटर्स हैं, क्योंकि पहले विलन दिखते थे, हर विलन याद रहता था, चाहे अमरीश्वरी हो, प्रेम चोपड़ा हो, कन्हैया लाल हो, याद रहता है, क्यों, उन सब के कैरेक्टराइजेशन होते थे, एक कैरिकेचर बनता था, उनका परफॉर्मेंस होता, उनका एक लेवल होता था, हर का एक स्टाइल होता था, आज इतनी रियलिस्टिक फिल्म बन गई और लिखावट इतनी रियलिस्टिक हो गई है कि कोई अपनी छाप नहीं बोल पा रहा है। आज आपने दबंग देखा, बिल्कुल प्रॉब्लम है, लेकिन वैसे ऐसी बात नहीं है, आज की डेट में थोड़ा बहुत हम लोग को और भी काम मिल रहे हैं, हम लोग आज भी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत मतलब जैसे कि सुपरस्टार वाली फिल्में अगर जो हैं तो उसमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मीडियम लेवल की फिल्में तो कर ही रहे हैं, जैसे मेरी अभी एक फिल्म रिलीज़ होने जा रही है 2 जून को, फिल्म का नाम है स्वीटी वेट जन आर आई, तो उसमें बड़ा अच्छा किरदार है मेरा, वो बहुत बड़े लेवल की फिल्म नहीं है लेकिन मीडियम रेंज की फिल्म है, उसमें बहुत अच्छा किरदार है मेरा, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर है, बहुत बढ़िया मैंने मतलब मुझे स्कोप मिला है उसमें काम करने का, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, हो सकता है वो कामयाब हो जाए, यू कैन नेवर। इनफैक्ट दो अपने आप में एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग इकट्ठे हुए हैं, कपिल पठारे जो मेरे ख्याल से आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनक्रेडिबली गिफ्टेड राइटर्स दैट वी हैव टुडे, ही इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएटिव टैलेंट्स दैट वी हैव, एंड ऑब्वियसली यू नो मिस्टर तन्ना हु हैज़ made an incredible brand in probably the shortest possible time, the Broaster Chicken. I'm sure it's going to be an exciting evening, looking forward to it. Yeah. Recipes here. What do you want to say about the tall, about tall stuff?
burger? Can't hear you. Lovely. It's all my best wishes to them. And in fact, I didn't know the chef Haripal is also here because my mom loves the kind of Punjabi food he makes. My mom is from Chandigarh, so we all love Punjabi. And now, as I know that yes, we have his recipe, so make sure that we often come here and enjoy the food here. Suggest to your friends and family? Of course I will. I loved it. It's a very nice place. So I will often come with my family and friends. We generally come to this legacy of China, which is just the next door, the Chinese. But then this is a nice joint and good food here. I tried a couple of things. It's very nice and a different kind of the sauces what they use, I think, are very different, which we like. Thank you so much. All my best wishes to them. I hope they just have lots and lots of success, party. मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब बुक लॉन्च हुई थी तो जय सूर्या को बुलाया था. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आज पार्टी में याद किया. और मैं यही कहूँगा कि कपिल पिठारे जी जो हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि सचिन तेंदुलकर तो अभी फिल्म में बिजी हैं, फिल्म ही हिट जा रही है, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे पार्टी में बुलाया. आज जो मैंने रिस्पॉन्स देखा, सचिन जी के प्रति प्यार जो देखा, सभी ने मेरे साथ फ़ोटो खींचे, तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ, बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ सचिन जी का चेहरा पाकर. और मैं बहुत खुश हूँ और मेहनत भी करता हूँ. जी सर, चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है. जी सर, चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है ना? चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी. हाँ जी. क्या सर जी, इंडिया इस टाइम बहुत मतलब फॉर्म में है. आपने मेरे क्या कल ही मैच जो देखा है उसमें क्या नाम है अपना, बांग्लादेश को बुरी तरह उन्होंने हराया है, तो इंडिया फॉर्म में है. वो तो सब प्लेयर बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं वो ही जीतेंगे. हम तो हमेशा इंडिया के जीतने की दुआ करते हैं, वो ही जीते.
देखिए मेरी ये किताब जो है अ टॉल ऑर्डर जो 6 महीना पहले मुंबई में लॉन्च हुआ था, इसका लॉन्च के लिए श्रीलंकन क्रिकेटर सनत जयसूर्या जो आए थे यहाँ पे लॉन्च करने के लिए, अभी ये किताब पूरे भारत में छा चुका है। हालांकि हमने हैदराबाद के ब्रॉस्टर्स चिकन ऐसे आउटलेट में ये किताब का प्रमोशन किया था, वहाँ पे मिथाली राज और वेंकटपति राजू भी आए हुए थे वहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने में किताब की जो संख्या बढ़ी है, हमने 2000 कॉपीज सेल क्रॉस कर चुका है, और इससे कहते हैं कि जो लैंडमार्क है ये एक बेस्ट सेलिंग ऑथर के रूप में माना जाता है। तो आज यहाँ पे हम मुंबई में वर्सोवा के ब्रॉस्टर चिकन आउटलेट में इसका बुक सक्सेस पार्टी का जो ब्रॉस्टर्स ने आयोजन किया है उनके साथ में, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। देखिए किताब लिखना एक, मैं यही कहूँगा कि इट्स अ काइंड ऑफ एन एडिक्शन। तो हालांकि मैंने अभी कुछ लिखना शुरुआत नहीं किया है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जिस तरह से क्रिकेट का जो ये मनोरंजन भारतीय हमारे देश में जो छा गया है, और जिस तरह से ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का भी जो अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मैं जब हैदराबाद में था तो मिथाली राज से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि क्यों ना अगला किताब आप इंडियंस वुमेन क्रिकेट टीम के ऊपर लिखा जाए। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी सोच रहेगी, इससे इंडियंस वुमेन क्रिकेट टीम का भी हौसला बढ़ेगा, और इस ऐसे सब्जेक्ट से माध्यम से हम शायद क्रिकेट को बूस्ट करेंगे। यस, इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड ओवरसीज वेरी सून। द एग्रीमेंट्स प्रोसीजर्स आर ऑन एंड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट विल बी लॉन्च्ड इन लंडन। आई शुड बी ट्रैवलिंग टू लंडन ड्यूरिंग दिस चैंपियंस ट्रॉफी टू वॉच इंडिया वर्सेज पाकिस्तान। आई एम श्योर दैट द एग्रीमेंट विल बी साइंड ओवर देयर। या देखिए, हर एक क्रिकेटर्स का पर्सोनिफाइड कैरेक्टर है, हर एक क्रिकेटर की एक स्किल है। तो जब मेरा ऑब्जर्वेशन होता है तो उनके साथ में उनके जो जितने पहले मैचेस हुई है उसके ऊपर मैं दौर करता हूँ रिकॉर्डिंग के माध्यम से, और काफ़ी कुछ इनके ऊपर लिखा गया है गूगल और इंटरनेट के माध्यम पे। तो हर एक क्रिकेटर्स का एक कैरेक्टर है, एक स्किल है जो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा यही उम्मीद है कि आने वाला पीढ़ी ऐसे हर क्रिकेटर्स के माध्यम से, जैसे हम कप्तान हमारे जो MS धोनी पहले कप्तान थे, उनका जो कैप्टन कुल कैरेक्टर था, तो ऐसे सब कैरेक्टर्स को हम लेते हुए एवरी यंगस्टर्स शुड लर्न अबाउट समथिंग फ्रॉम देम। बिल्कुल, मैं जेन्युइन ब्रॉस्टर चिकन इंडिया में ग्रो कर रहा हूँ, और इनका जो किताब है टॉल ऑर्डर, इन्होंने टॉल ऑर्डर का मतलब रहता है कि एक बड़ी उपलब्धि, इन्होंने इंडीड एक बहुत बड़ा टॉल ऑर्डर अचीव किया है 2000 कॉपीज सेल करने का। उसी तरह से हमने भी ब्रॉस्टर को इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेशनल ब्रांड बनाया है। आज तक काफ़ी ब्रांड्स इंटरनेशनल इधर आ गए, पर हमने अगस्त लास्ट ईयर ये ब्रांड खोला था, और अभी 14 आउटलेट इंडिया में है और 20 खुल रहे आगे आने वाले 2-3 महीनों में। तो इनका और हमारा काफ़ी सिनर्जी मैच हो रहा है, इनके भी आगे बड़े प्लान्स हैं, हमारे भी आगे बड़े प्लान्स हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम दैट ही चोज ब्रॉस्टर चिकन टू सेलिब्रेट दी अर्ली सक्सेस ऑफ हिस बुक, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिस फ्यूचर एंडेवर्स। बिल्कुल नहीं, आई एम ग्लैड KFC का कंपैरिजन आया, बिकॉज KFC एक बहुत बड़ा ब्रांड है और हम सब उनके फैंस हैं, हम भी खुद भी KFC के फैंस हैं। बट कहीं कहीं आजकल हेल्थ पे बहुत सारी कॉन्शियसनेस आ रही है, और इंडलजेंस भी चाहिए हमको, खाना भी इंडलजिंग चाहिए और हेल्थ भी चाहिए, तो ब्रॉस्टर उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ब्रॉस्टर के पास एक टेक्नोलॉजी है जो पेटेंटेड है, जिसमें हम इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और वो इक्विपमेंट में जब चिकन बनता है तब KFC से 50% लेस ऑयली चिकन रहता है, और चिकन मॉइस्चर भी ज़्यादा रहता है। तो KFC के मुकाबले हमारा वैल्यू प्रपोजिशन है कि हमारा चिकन लेस ऑयली है, और आप अल्कोहल के साथ उसे एंजॉय कर सकते हो, और अल्कोहल और चिकन का कॉम्बिनेशन, आप सबके मुँह पर मुझे स्माइल दिख रही है। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिथ है। इंडिया का अगर आप स्टेटिस्टिक्स स्टडी करें तो 58-60% नॉनवेज फूड का कंजम्पशन है और 40% वेज का कंजम्पशन है। जस्ट दैट इंडिया के काफ़ी पॉकेट्स वैसे हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली वेज को प्रमोट किया जाता है, इसलिए वेज का
जो स्ट्रेंथ है वो एम्पलीफाई हो जाता है. बट नॉन वेज कंजम्पशन इज ऑलवेज बिन बिग इन इंडिया एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग टू ग्रो. और हमें कहीं भी वेजिटेरियन नहीं होने की वजह से चैलेंज नहीं हो रहा है. इसका रीज़न ये भी है कि हमारा फ्राइड चिकन कैटेगरी के अलावा 50% मेन्यू वेजिटेरियन ही है. थैंक यू वेरी मच. देखिए, अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें होती हैं जो नो मैटर व्हाट द टाइम्स वी आर गोइंग थ्रू दे ऑलवेज रिमेन यूनिवर्सल. एक है खाना और दूसरा है इंसान को किसी प्रकार का मनोरंजन, और उसमें शायद किताब जो है वो सबसे मतलब आपके करीब रहती है, आपके हाथ में रहती है, आपके टाइम के साथ चलती है. सो इट्स अ मिक्स सेलिब्रेशन ऑफ फूड एंड बुक्स. बोथ द वेंचर्स इन देयर ओन स्पेस हैव डन ग्रेट फॉर देमसेल्व्स. सो आई थिंक इट्स अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन. और किसी की भी सेलिब्रेशन में जुड़ना, जैसे वो सैफ अली खान का एक बहुत फेमस डायलॉग है, दिल चाहता है केक खाने हम कहीं भी चले जाते हैं, तो सेलिब्रेट करने हम कहीं भी आ जाते हैं. इट्स मोर लाइक दैट. देखिए, किताब लिखना या कुछ भी लिखना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है. लेकिन आज एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो बहुत बड़ा हो गया है, जिसको ट्विटर या फेसबुक, और जो मेरी प्रेजेंस उन प्लेटफॉर्म्स पे है, तो मुझे अपने फ्रेंड्स से पता चलता है कि मुझ में वो हुनर है कि मुझे लिखना चाहिए. मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ़ी ज़्यादा लिखती हूँ, बिकॉज आई राइट फ्रॉम द हार्ट. बट आई डू गेट दिस फीडबैक. आपने ये सवाल किया तो ये इत्तेफाक ही माना जा सकता है कि आप एक एक्टर से पूछ रहे हैं कि आप लेखिका बनने वाली हैं. बनने नहीं वाली हूँ, लेकिन अब आपने पूछ लिया तो शायद वक्त का कुछ इशारा है, इस बारे में सोचना चाहिए. आई थिंक बहुत, देखिए एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कुछ कहानियाँ होती हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनको पढ़ना पसंद नहीं होता, लेकिन फिल्में देखना पसंद होता है. मैं अगर एक अपना ही तजुर्बा दूँ, जब मैं स्कूल में थी तो गाइड हमारे 11th में बुक थी जो हमें पढ़नी थी हमारे सिलेबस में, बट तब मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था. तो मुझे याद है मैंने अपने एग्ज़ाम से पहले वो फिल्म रात को देखी थी, और मैंने अपना अगले दिन का पेपर उस पर लिख के दिया था, मार्क्स मत पूछेगा कितने आए थे, कुछ खास नहीं आए थे, बिकॉज फिल्म और किताबों में फ़र्क होता है. बट यस, आई एम व्हाट आई ट्राइंग टू से इज़ कि कई बार लोग पढ़ना नहीं चाहते लेकिन उसको देखना चाहते हैं. लेकिन कई बार नहीं, अक्सर देखा गया है कि जितनी बारीकी से और एलैबोरेटली एक लेखक लिखता है, वो शायद सेलुलॉइड पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस चीज़ को 2 घंटे की समय के अंदर सीमित करना, यू आर नॉट दैट यू नो जस्टिफाई, यू कांट जस्टिफाई दैट. तो इट्स अ वेरी मिक्स थिंग्स. बट हाँ, कुछ किताबें होती हैं जो आप पढ़ते हैं, जैसे चेतन भगत की किताबें हैं, वो ऐसा लगता है कि आप स्क्रीन प्ले पढ़ रहे हैं, तो फिर उन किताबों को फिल्मों में तब्दील करना आई थिंक इज़ अ मच बेटर. फिलहाल तो मैं छुट्टी मना रही हूँ, आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं है. जब होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, आपकी दुआएं साथ रहें तो जल्दी ही कुछ होगा. A Tall Order, which will see its grand launch overseas very soon. So why not combine it with good food? And that's how we have the amalgamation of two victorious brands here this evening, lovely people. Kapil Patare, the exceptionally talented author who penned the success story with his book, A Tall Order, which was unveiled by the Sri Lankan legend, Mr. Sanath Jayasurya, which has already entered the bestseller Hall of Fame, crossing 2,000 copies sold. Congratulations to you. This truly calls for a great grand celebration. And of course, what we speak about Karan Tanna, the visionary entrepreneur who has created one of the fastest growing franchise management F&B brand in the world today, the Broster Chicken, people. And to speak a word about him,
He's been featured in the Fox 30 Under 30 as a youngster who holds the potential to be India's icons of tomorrow. So he's the most rocking. Congratulations to you as well, Karan Khanna. People, we believe, as I said, that we're all in a good mood and which has already been said. So now, it's time for us to meet these two gentlemen. The inspirational union between the two brings us for this celebration. So please put your hands together as we invite the author come rider. Yes, he's going to ride on his bike because he's a biker and rider too. Please put your hands together for entrepreneur and author Kapil Patare. Kapil, this is a rocking evening and you've been waiting for this, you know, forever. And congratulations on 2,000 copies sold pan-India. Would you like to say something to everyone? All your loved ones are here and RJ Archana went on and she's super excited. Thank you so much, Archana. Thank you, friends. So first of all, it's been lovely evening this today. You have come all the way. I know it's a weekday, it's a working day, but I was really surprised to see all of you sharp at 7, as Simran mentioned. Woo! This has been a passion for me, writing books. And although this is my second book, my first book, which was Cricket to Corporate, which was unveiled by Mr. Kiran Mori, the former Indian wicketkeeper. That was a learning experience for me. And it took about 6 years for me to write my first book. So I was like, writing book is not really an easy task, basically. So, but this particular second book of mine, A Tall Order, which says about last 25 years of Indian cricket, the top 10 cricketers who have served for our country, and they have lasted the memories in our hearts, name some, the legend Sachin Tendulkar. We have one Tendulkar out here over here as well. Yes. Yeah. Tendulkar, Dhoni, Yuvraj, Harbhajan, Zaheer, Virendra Sehwag. So all of these have really earmarked the Indian cricket to a different level. And A Tall Order is all about their contribution to the Indian cricket team. I'm so happy that when I came to know from the publication that what's the criteria for the bestsellers. So yes, the criteria is quite high. We have to sell 10,000 books at least. So, but the Popular Prakashan, who is a publication house, they came up with a record. The record says that we have sold the 2,000 plus copies. So this is the entry level of my bestsellers book. So I'm really happy that I could keep up to the mark. This book was basically launched 6 months back and it was dedicated to my late father. So I'm really happy and emotionally touched that his blessings has always taken up to for me, and this book is going pan-India. Very shortly, I shall be launching this book in overseas. Maybe in next 15 days, the agreements will be signed and I shall be launching this book in London. So the London Publication House has already picked up the topic, and I'm traveling to London to watch India-Pakistan. Hopefully I can sign the agreement as well. इस बार तो पक्का दुगुना लगान वसूल करूँगा. Thank you very much all of you for coming over here. Thank you so much. I need to mention this. Yes, he travels all across the world to watch cricket. And Kapil, it's been from cricket to corporate, your first book, and the second book, A Tall Order. And since you're going overseas, post London, also you have planned, you know, something overseas. Can you tell us just a few more countries you plan to go? I have been visiting many countries wherever the cricket has been played, more or less. I was there for the last 2015 World Cup in Australia as well, and New Zealand. So London is definitely one of the dream destination for me. Yes, 2019 World Cup is coming up in London. I have a plans right now to plan out and go over there. Definitely it will be one of my destination. Yeah, that's it. Wonderful. Thank you so much. Well, Kapil is from the corporate world and the director of VIP Clothing Limited. Just to speak a more formal about Kapil, yes, this is just the, you know, glamour and concern to author, of course, the serious author. But definitely talking more about him, he believes that every day is a celebration and I live every day as if it's the last day, so I make the most out of it. So does that also mean that you sleep less? Not really. But I work very hard. I really like to enjoy the day to the best of it, and every day should be taken
as if it's your last day. So you should enjoy every day to the fullest 100% mark. He also believes that, well, as every day is a celebration, to really give the best and always make people happy. And this is what he wanted. He mentioned it to Parul. Thank you, Parul, for having me here. My name is Simran Ahuja, people. And this is what he said. I just want to make my friends happy. I want to see them smile. I want to see them rocking. That's all I want, you know, from this evening. Thank you so much, people. I heard some applauses in between. Aap taaliya bajana chahte ho, jab bhi unke liye, please bajaye. Thank you so much. We love that. Well, we request you to be here with us and the wondrous association of this lovely venue and the ambience. We truly love this. So can we have from the genuine roaster chicken, the rocking and the very young and talented, Mr. Karan Tanna. Hi Karan, I mean, aapne se expect kiya hoga kya hai, Mr. Karan Tanna. And kaise lag raha hai aapko yahan par? Yeah, Mr. is never expected. Everyone calls me Karan, even my company. But yeah, feels good. Indeed, a tall order. 2,000 copies in 6 months. Good synergies. I've actually done more than 200 stores. But this one is very, very special because this is India's fastest growing international brand ever in India's history. So there have been brands like McDonald's, Domino's, and you know many brands that we know. But this is one brand that we started in August. And in 8 months, we have 14 stores and there are 20 more in pipeline. We have grown from east to west, north to south. We have opened one in Guwahati. We are opening in Gangtok. We have stores in Hyderabad. A small connection is that his real sister, Mrs. Vanna, owns a store in Hyderabad and she is our franchisee owner. So that's how we are connected to. So yeah, indeed an evening to celebrate his success, a little bit of our early success. And thank you all for being here. Thank you. Just to speak formally on Karan Tanna, I call you Karan now. He's the founder and CEO of Yellow Tie Hospitality Management, LLP. Well, who not just owns and believes in genuine roasted chicken, but it's an American casual dining place. And of course, he's responsible for the rapid growing outlets all across the country. And I need to ask you this one thing that, you know, this is one of the very renowned international chains of F&B, the franchise that you have. So how is it? How does it feel? It's truly rocking here in Versova. How does it feel? No, I mean, it feels good because you're doing a good business, you're making money, your franchise owner is making money, the brand is growing. But you know, what is very special is that we have started to pitch this brand, or we started pitching this brand as American Soul Indian Art. We have Chef Harpal Singh Sokhi on board with us. He has devised a special menu. We have things like lamb Rogan Josh burger, Palak Paneer burger. We have a Gulkand muffin, which we are going to give you as a takeaway. Please warm it and have it with chai. You will definitely get addicted to it. It's orgasmic, the way I put it. We have chocolate samosa with mango ice cream. So you know, indeed, it has fared really well. Yeah, we have chocolate samosa with mango ice cream in the menu too. Takeaways, yes. So yeah, feels nice. Yes. We have opened in Reclamation also, so people who are not staying around can come to our outlet in Reclamation, and we are opening soon in Toti Mills and in Vashi. So Bombay will have 5 of our stores. Thank you all for making it a early success. I think, you know, these guys are waiting to give you the tall order. So I'm going to give you the cue sheets, yeah? You can have your orders. Packing the takeaway orders. Thank you so much. And we would also love to invite on, one more gentleman who owns this territory in Mumbai. That's the genuine roasted chicken. Ladies and gentlemen, please a loud round of applause for Mr. Rahul Motwani. Can we please have you here, sir? Hi, sorry. You speak. Perfect. Kaise lag raha hai aapko yahan par? Tha theek aaye ho? Okay, wonderful. No, he is actually a very, very special guy. They own this outlet. They are partners of Roster for Mumbai. And he is from Madhya Pradesh and now they have moved to Mumbai. Running a restaurant in Mumbai, if you are not from Mumbai, we all know how difficult it is. But you know, in spite of being from a well-to-do family, he still gives in 18 hours. And I think people like this, people like Mrs. Vanna, who owns our Hyderabad store, his our son Karan, who is just 21, 22 years old, and they are very popular as mother-son duo. And they have outlet in a very upscale Jubilee Hill. So they have a lot of movie celebs going there and asking for mother-son duo to help them out. So yeah, people like this have made the brand successful. So here they are. I mean, they are our real heroes. Thank you so much.
Let's hear it for all the heroes. You're in the house, Mr. Karan Pakarim, Rao Motwani, and once again, the last time, Mr. Karan Pakarim. Thank you so much, lovely people. I would also love to thank our esteemed guests. Thank you so much for honoring us with your humble presence. Thank you, each and every one of you, for constantly giving me smiles from 7:20 onwards. And I've been taking a look and we've been, you know, glancing at each other. Thank you so much, each and every one of you. Thank you, designer Premal Babiani from New York, for being here with us. Where are you? Hi, so Premal is here. Thank you so much for honoring us with your humble presence. Ujwala Rao, thank you for the answer as well. And of course, RJ Arjuna in the house. Thank you, Arjuna. We have DJ Sheeswood. Thank you so much, DJ. Shweta Kanduri is here. Thank you so much. Lovely meeting you. Saru Mani, where is she? Saru, thank you. Lovely having you. Pragati Mehra. Pragati, where are you? And Shivani Kashyap. Thank you, friends. And thank you, each and every one of you. You're in the house. मेरे आने से म्यूज़िकल हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है. तो हम बुक्स की बात कर रहे हैं, टॉल ऑर्डर. आई वेरी वेरी आई मस्ट टेल यू दैट कपिल इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी रिलीजियस, वेरी डिवोटेड पर्सन, डिवोटेड टू हिज वर्क, एंड ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर. लेकिन वो टाइम निकालते हैं अपने पैशन के लिए, अपनी इस टैलेंट के लिए, विच इज़ राइटिंग. एंड सो इट्स वंडरफुल टू सी कि 2000 कॉपीज़ बिक गई हैं, एंड वी सेलिब्रेटिंग इट विद फूड. दैट्स द बेस्ट वे ना, फूड के बिना तो ज़िंदगी नहीं है ना. Life is incomplete. So this is a lovely joint called Broister's Chicken, and I think Karan Tanna ki kahani itni inspiring hai ki itne hi kam arse mein unke kuch 200 outlet pure India mein khul gaye. That's fabulous. So yes, I like chicken more than mutton, to be honest with you. So yeah, I am a chickenitarian. I do eat chicken and fish. So if it's cooked well, to aur bhi maza aa jata hai. Waise to main Punjabi hoon, to butter chicken is like topping the list. But aaj main yahan pe चेकआउट करने वाली हूँ कि क्या क्या उन्होंने किस टाइप के कॉम्बिनेशन बनाए हैं चिकन के. आई एम अ कंप्लीट बुक वर्म. मैं अगर मैं अपने गिटार नहीं बजा रही होती और गा नहीं रही थी स्टेज पे, तो मैं बुक्स पढ़ रही होती हूँ. तो आई लव बुक्स. यहाँ बस अभी 3 दिन पहले मेरा एक नया सिंगल रिलीज़ हुआ है, 24 आवर्स इज रिस्पॉन्सिबल. ये एक इंटरनेशनल सिंगल है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है विद द बैंड बिग माउंटेन, जिनका एक बहुत फेमस गाना है, ऊ बेबी आई लव योर वे. सो माई सॉन्ग 24 आवर्स इज रिस्पॉन्सिबल हैज़ जस्ट क्रॉस्ड अबाउट 52,000 व्यूज एंड लाइक्स, एंड हनी सिंह हैज़ ऑल्सो यू नो ट्वीटेड अबाउट इट, एंड ऑल द इंडस्ट्री वॉज देयर टू लॉन्च दिस सॉन्ग. सो आई एम रियली रियली हैप्पी बिकॉज इंडिपेंडेंट म्यूजिक को लेकर मेरी एक वो है, एक रेवोल्यूशन चल रही है. बट ऑफकोर्स एक बहुत ही बड़ा गाना आने वाला है इसके बाद. इसके बाद हम बॉलीवुड की तरफ जाएंगे. आई कांट अनाउंस द नेम ऑफ द फिल्म, बट इट्स अ बिग सॉन्ग कमिंग अप बहुत जल्दी. यू विल बी सीइंग इट सून.